दिल से बुलाया केमिस्ट्री क्लास 12 को पढ़ाने हिमांशु कुमार आया। तो आज हम दोस्त फुल एचडी में फिनॉल का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। देखिए दोस्त, न्यू चैप्टर हमारा है फिनॉल। तो सबसे पहले हम दोस्त फिनॉल का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला लिखते हैं। तो देखिए दोस्त, ये हो गया हमारा 6 कार्बन का साइक्लिक चेन, और 6 कार्बन का साइक्लिक चेन में पाई बॉन्ड हमारा अल्टरनेट पोजिशन पे। ये हो गया बेंजीन का रिंग, और बेंजीन के रिंग से जुड़ा हुआ हाइड्रोक्सी ग्रुप। तो ये हमारा फिनॉल का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला हो गया। अब हम लोग को दोस्त मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखना है। तो फिनॉल का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो जाएगा C6H5OH। ये हो गया हमारा फिनॉल का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। आखिर सर ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता क्या है? तो परमाणु की वास्तविक संख्या को मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बोला जाता है। यहाँ पर कार्बन का एक्चुअल एटम 6 और 6 एटम है, हाइड्रोजन का एक्चुअल एटम 5 और 6 हाइड्रोजन है, और ऑक्सीजन का एक्चुअल एटम हमारा 1 है। अब तो रिप्रेजेंटेशन में आते हैं। आखिर फिनॉल को हम लोग दिखाएंगे कैसे? तो फिनॉल को हम लोग दोस्त पी एच ओ एच की मदद से दिखाएंगे, जहां पर पी एच हमारा फिनाइल है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा दोस्त, फिनॉल के लिक्विड फॉर्म को हम लोग कहते हैं कार्बोनिक एसिड। इसी कार्बोनिक एसिड का यूज हम लोग दोस्त सर्जरी के दौरान डेंटल लोग करते हैं, मतलब डेंटिस्ट लोग सर्जरी के दौरान कार्बोनिक एसिड का यूज करते हैं। अब आता है आपका दोस्त अदर नेम। आखिर फिनॉल का दूसरा नाम क्या है? तो फिनॉल का दूसरा नाम है हमारा दोस्त हाइड्रोक्सी बेंजीन। दूसरा नाम हो गया हमारा फिनॉल का हाइड्रोक्सी बेंजीन। हम दोस्त डेफिनेशन लिखेंगे फिनॉल की। तो फिनॉल का डेफिनेशन हो गया दोस्त, वह ऑर्गेनिक कंपाउंड जो धारण करता हो और हाइड्रोक्सी ग्रुप सीधा जुड़ा हुआ हो बेंजीन के रिंग से, तो उसे कहते हैं हम लोग फिनॉल। जहां पर ऑर्गेनिक कंपाउंड, अक्सर ये ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या है? तो एक ऐसा कंपाउंड जिसको प्लांट और एनिमल से ऑब्टेन करते हैं, वह हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड कहलाता है। फिर हमारा दोस्त फॉर्मेशन। आखिर फिनॉल को हम लोग बनाएंगे कैसे? तो देखिए दोस्त, ये हो गया हमारा बेंजीन का रिंग, और बेंजीन के सभी कार्बन के पास एक एक हाइड्रोजन एटम होता है। तो जब बेंजीन के रिंग से एक हाइड्रोजन को एटम को हटाते हैं, तो ये हमारा बेंजीन का रिंग है। एक हाइड्रोजन एटम को हटाएं तो एक खाली बॉन्ड आ गया। तो जब बेंजीन से एक हाइड्रोजन को हटाते ना, तो इस कंपाउंड का नाम हो जाता है हमारा फिनाइल। यहाँ पर लिखिए फिनाइल। फिर यहाँ पर दोस्त एक हाइड्रोजन एटम को हटाए ना, यहाँ पर एक हाइड्रोक्सी ग्रुप को जोड़ेंगे, तो फिनाइल में आ जाएगा एल्कोहल, तो बन जाएगा आपका फिनॉल। तो फिनाइल में हमको हाइड्रोक्सी ग्रुप लगाना है, तो ये हो गया हमारा दोस्त फिनाइल ग्रुप। और फिनाइल ग्रुप पे लगा दिया हाइड्रोक्सी ग्रुप, तो ये बन गया हमारा फिनॉल। फिनॉल का ही दूसरा नाम था हाइड्रोक्सी बेंजीन। इस कंपाउंड का नाम है बेंजीन, तो यहां पर लिखिए हम लोग बेंजीन। देखिए दोस्त, जब बेंजीन से एक हाइड्रोजन एटम को हटाइएगा तब फिनाइल प्राप्त होगा। फिर फिनाइल में हम लोग हाइड्रोक्सी ग्रुप को जोड़ेंगे तब फिनॉल प्राप्त होगा। तो इस तरह हमारे दोस्त फुल एचडी में फिनॉल का इंट्रोडक्शन खत्म हो गया। तो दोस्त जले हुए को आग और बुझे हुए को राख कहते हैं, और जो राख को बारूद बना दे उसे हिमांशु कुमार कहते हैं।